नमस्कार, खबरें इस बुलेटिन तुंदा स्वागत है। मैं आरती शर्मा। सबने शा पहले जिहड़ियां खास खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें विश्व बैंक दी कारोबार च सखाल आली भारत दी वरीयता च सुधार की और अगे ले जाने दी जताई उम्मीद। जीएसटी की देश दा एक बड़ा आर्थिक सुधार दस्या। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल होरें रियासता च जारी परियोजनाएं दा लैता जायजा। आखिया जे निर्माण कम्में गी मित्थे दे समें अंदर कीता जाग पूरा। ते श्री गुरू नानक जयंती पर जम्मू प्रांता च बक बक थारें समारोह, गुरूद्वारें च शब्द कीर्तन ते लंगरें दा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें विश्वास जताया जे जीएसटी लागू होने कन्नै कारोबार च सखाल आली भारत दी वरीयता च अगले बरे और सुधार होग। नमीं दिल्ली च अज्ज इक समारोह च बोलदे प्रधानमंत्री होरें आखिया जे पिछले त्रऊं बरें च विश्व बैंक दे कारोबार च सखाल सरबंधी वरीयता च भारत ने 42 अंकें दा उछाल करदे होई पहले 100 देशें च अपनी थार बनाई है। उन्हें आखिया जे भारत च कारोबार करने दी सखाल च सुधार मगरा भारत वासियें दे जीवन च सुधार होग। उन्हें आखिया जे इस उपलब्धि कन्नै गै ओ संतुष्ट नहीं होंगन ते मती कामयाबी लई जतन जारी रखगन। प्रधानमंत्री होरें आखिया जे उन्दे इक जीवन इक अभियान दा मकसद भारत दे 125 करोड़ भारत वासियें दे जीवन च तब्दीली आनना है। उन्हें आखिया जे जीएसटी बारे व्यापारियें ते कारोबारियें जेड़े मामले सामने रखे उनेंगी सरकार ने मनी लैता है ते जीएसटी काउंसिल लोड़दे सुधार करा करदी है। Because it is a measure of the quality of our public policies, because it is a benchmark of transparency and processes, because ease of doing business also leads to ease of life. With GST, we are moving towards a modern tax regime, which is transparent, स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल। और मुझे आज ये कहते हुए खुशी हो रही है, जितने इश्यू सामान्य व्यापारियों ने उठाए थे, कारोबारियों की तरफ से जितने सुझाव आए थे, करीब करीब सारे विषयों को पॉजिटिवली स्वीकार किया जा रहा है। अवर मंत्र इज रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। इन अ फेडरल डेमोक्रेसी like India, it is often not easy to take on board every stakeholders while undertaking reforms. However, over the last 3 years, there has been a sea change in the response of governments, both at central and state level. World Bank ne ease of doing business ki prakriya saal 2004 mein shuru ki thi। बड़ा महत्वपूर्ण ईयर है। और इसके बाद 2014 तक किसकी सरकार रही ये भी आप सबको पता है कि वर्ल्ड बैंक की इस रैंकिंग पर सवाल उठाने के बजाय आइए हम मिलजुल करके अपनी कमियों को एड्रेस करें, नया संकल्प लेकर के न्यू इंडिया बनाने के लिए साथ मिलकर आगे बढ़े। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल होरें आखिया जे केंद्र सरकार केंद्र आसिया चलाई जा रही परियोजनाएं की मित्थे गेदे समय अंदर सबूरा करने लई अंथक जतन करा करदी है। इन्हें परियोजनाएं च उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, चिनाब पुल, अंजी पुल, 220 केवी आला श्रीनगर लई ट्रांसमिशन सिस्टम, पकुल डुल पन बिजली परियोजना, जम्मू बाईपास थमा उधमपुर बाईपास, उधमपुर थमा चनैनी, नाश्ती थमा रामबन ते काजीकुंड थमा बनाल सैक्शन तोड़ी जनैली शिड़क की कन्नोकन्नी चौं गड्डियें दे चलने जोग बनाना शामल है। केंद्रीय मंत्री होरें ए जानकारी कल जम्मू च आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन दौरान दित्ती। इसी तरह इसी मजबूती के साथ चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है या वो सब लोग जो देशभक्त हैं वे सब खड़े रहेंगे उनके सामने। जो घटनाएं हैं आप तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से सरकार ने, केंद्र सरकार ने काफी सख्ताई की है और इस बात का भरपूर जवाब दिया है कि पाकिस्तान की इन बेजा हरकतों से हम कोई हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने वाले नहीं हैं। मजबूती से उनका पहले भी जवाब दिया, आगे भी हम मजबूती से उसका जवाब देंगे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय जनरल सैक्रेटरी डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया और मांग की है जिसले तोड़ी कश्मीर घाटी च विस्थापित कश्मीरी पंडितें की परतिये बसाया नहीं जंदा उसले तोड़ी वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा और कुसे कन्ने भी गलबात शुरू नहीं करनी चाहिए।
श्री तोगड़िया होरें एह गल जम्मू च हिंदू हेल्पलाइन दा उद्घाटन करदे होई आखी। श्री तोगड़िया होरें गलाया जे वार्ताकार होरें गी कश्मीर मुद्दे पर सिर्फ हितधारकें कन्नै गै गल्लबात करनी चाहिदी ऐ। उनें एह बी आखेआ जे रोहिंग्या मुसलमानें गी फौरन वापस भेजेया जाना लोड़चदा ऐ। साथ में उनको ठीक लगेगा बात करें और पाकिस्तान की जबान में बोलने वाले पाकिस्तानी एजेंट दिनेश्वर शर्मा की भाषा नहीं चलेगी, नहीं समझेंगे। वह आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस की AK-47 की बुलेट की भाषा समझेंगे। हम यदि रबर की गोली चलाने में डरेंगे तो पाकिस्तानी एजेंट बोलते रहेंगे। सिखें दे पहले गुरु नानक देव हुंदी 548वीं जयंती गुरु पर्व अज पूरे देश च मनाया जा करदा है। सिख समुदाय लई एह ध्याड़ा मती महत्व रखदा है। इस पवित्र ध्याड़े गी मनाने लई नेकां समारोहें दा आयोजन कीता गेदा है। बडले थमां श्रद्धालु गुरुद्वारे जाइयै मत्था टेका करदे न। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें देशवासियें गी गुरु नानक देव हुंदी जयंती दी मुबारकबाद दित्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें भी लोकें गी गुरपर्व दी मुबारकबाद दित्ती। श्री मोदी होरें लोकें गी गुरु नानक देव हुंदियां शिक्षा चेता करने लई गलाया। गुरु नानक जयंती अज जम्मू च धार्मिक श्रद्धा ते उत्साह कन्नै मनाई गई। मुख समारोह गुरुद्वारा समाध बीबी चांद कौर जम्मू च मनाया गया, जित्थे बड़ी मती गिनतरी च संगत ने हाजरी दित्ती ते मत्था टेकिया। इस मौके पर दीवान सजाया गया ते शब्द कीर्तन कीता गया। गुरु पर्व पर पूरे गुरुद्वारा परिसर ते बाजार की सजाया गेदा है। इयां गै उधमपुर च भी गुरु पर्व दा त्यौहार पूरे उत्साह ते जोश कन्नै मनाया जा करदा है। शहर दे सिंह सभा गुरुद्वारा च मुख समारोह दा आयोजन कीता गेदा है। 15 दिन थमां कड्डी जा रही प्रभात फेरी भी अज संपन्न हो गई। संगत लई लंगर दा आयोजन भी कीता गेदा है। भाई लालो दे घरों नानक नूं लैण आए मलक भागो दे सिपाही ते गुरु नानक दे ओ गुरु पर्व मनाउण वाले आ तूं जिन्ना मेरी कोठी मेरी गड्डी गुरु को बल बल जाइए ऐसे गुरु को बल बल जाइए। तो आई बटोत च भी गुरु पर्व का त्यौहार मनाया जा करदा है। रामबन जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सैकटरी जनक सिंह हुंदे प्रबंधन हेठ गुरुद्वारा सिंह सभा च मुख समारोह आयोजित किया गया। संगत लई गुरु दे लंगर का भी प्रबंध किया गया हा। उत्थे गए कठुआ च भी 548वां प्रकाश उत्सव मनाया जा करदा है। नगर दे सावनचक गुरुद्वारा सिंह सभा च मुख समारोह दा आयोजन कीता गेदा है। बडले थमां संगत गुरुद्वारे मत्था टेकने लई आवा करदी है। जंगलात मंत्री चौधरी लाल सिंह होरें भी कार्यक्रम च शिरकत कीती ते गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन करने परैंत अपने संबोधन च गुरु नानक देव हुंदे जीवन उपर लो पाई। संगत लई लंगर भी लोआया गेदा है।
ਉੱਥੇ ਗਏ ਡੋਡਾ ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਉਪਰ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਨਾ ਆਸਿਆ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। कि आप अकेला नाम जपने में ही ना रहो, किर्त भी करनी है और उस किर्त को ही रखी गई। जो प्रभु को मिल भूत है पूज शब्द मैंने राज करेगा खालसा अखिल रहे न कोई। चिड़ी च हफ्ता भर चलने आला मेला अज थमां शुरू हो गया। गुआंढियें राज्यें थमां सैकड़ा बद्दे श्रद्धालु बाबा जित्तो गी मत्था टेकने लई इत्थे आवा करदे न। बाबा जित्तो होरें गरीब करसानें दे हक दी लड़ाई लड़ी ही। चिड़ी मेला अरबरे बाबा जित्तो ते उंदी धी बुआ कोड़ी उंदी सुची संभाला च लोआया जांदा है। अरबरे जम्मू पंजाब हिमाचल प्रदेश ते उत्तर भारत दे होरने इसे थमां 8-10 लाख तोड़ी श्रद्धालु मेले च हिस्सा लैने लई आउंदे न। पूरे देश च अज कार्तिक पूर्णिमा का ध्याड़ा मनाया जा करदा है। यह ध्याड़ा इंदू कैलेंडर के हिसाब से कत्ते महीने की पुनिया की मनाया जाता है। इंदुए लई यह महीना मति महत्व रखता है कि जे सिर्फ इये इकला महीना जेदे च भगवान शिव ते विष्णु दोने दी पूजा की जाती है। श्रद्धालु बड़े थमां गै मंदरें च जाइए मत्था टेका करदे न। कार्तिक पूर्णिमा की देवा दयाली त्रिपुरी पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाएं कन्ने मुल्क दे बख बख हिस्से च मनाया जाता है। चक्कां दा बाग आले रस्तिया नियंत्रण रेखा दे रुआर पार व्यापार ते यात्रा अगले हफ्ते शुरू कराने आस्ते जम्मू कश्मीर सरकार ते पीओके प्रशासन दे अधिकारियों बिशकार एक मीटिंग मगरा सहमति बनी गई है। यह व्यापार पिछले 4 महीने थमां बंद पेदा हा। 10 जुलाई गी भारी गोलाबारी मगरा इसी बंद किया गया हा। पुंछ दे जिला विकास कमिश्नर तारिक अहमद जड़गर होरें इस बारे जानकारी दिंदे होए दस्या जे 6 नवंबर सोमवार थमां नियंत्रण रेखा उपर 33 नौ ताले पासिया यात्रा शुरू होग। कल एक मीटिंग रखी हुई थी बट कल वो नहीं हो पाई, वो मीटिंग आज हो गई। इस मीटिंग में ये तय पाया गया कि इस ट्रैवल और ट्रेड दोनों को हम फिर से रिज्यूम करेंगे। किश्तवाड़ च NHPC लिमिटेड आसिया चलाई जा रही डुलहस्ती पावर स्टेशन ते बटसर HE प्रोजेक्ट उपर आयोजित विजिलेंस जागरूकता सप्ताह संपन्न हो गया। सप्ताह 3 अक्टूबर थमां 4 नवंबर तोड़ी चलिया। सप्ताह दा शुभारंभ पावर स्टेशन दे जनरल मैनेजर PK लंगर होरें कर्मचारियों गी सगंध चकाइए कीता हा। इस दौरान निबंध लेखन वाद विवाद ते कविता पढ़ने आली प्रतियोगिता आयोजन कीता गया हा। समापन समारोह की सदारत चीफ इंजीनियर सुरेश कुमार होरें कीती। इस मौके बोलते हुए उन्हें आम लोगों की भ्रष्टाचार की खत्म करने लई जागरूक बनाने पर जोर पाया। मगरा प्रतियोगिताएं दे जेतुओं की इनाम भी बंडे गए। रियासता दे दुए सियांग रियासी च भी कल विजिलेंस जागरूकता कैंप लगा जेदे च विजिलेंस संगठन दे अधिकारियें जिला प्रशासन दे अधिकारियें ते होरनें गी सिखलाई दित्ती ते सरकारी कामकाज च पारदर्शिता आनने ते भ्रष्टाचार मुक्त कार्यशैली लागू करने लई आख्या। कैंप च इस गल्ला पर जोर पाया गया जे सरकारी कामकाज च गलतियें ते भ्रष्टाचार दी संभावना गी खत्म करने लई सबने नियमें कानूनें ते सरकार आसिया समय समय पर जारी कीती जाने आली सूचनाएं दा पूरी चाली पालन कीता जा। ग्राएं च रुट्टी पकाने आस्ते साफ सुथरी रसोई गैस ते महिलाएं दी सेहत की यकीनी बनाने आस्ते भारत सरकार आसिया ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम तहत सोलर कुकर उपलब्ध कराए जा करदे न। उधमपुर जिले च भी यह योजना लागू कीती गई है। जिले दी मटियोला बी पंचायत दे तकरीबन 50% हिस्से गी इस योजना तहत आन्या गया है ते 75 सोलर कुकर लोकें गी दित्ते गए। ग्रां दे लोक एदा स्वागत करा करदे न, खासतौर उपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदा जिने यह योजना शुरू कीती है। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ।
जम्मू कश्मीर रहबरे तालीम टीचर फोरम ने विजयपुर च अज एक मीटिंग की। आरईटी अध्यापकें की समस्याएं ते मंगें पर विचार किया गया। मगरा एक पत्रकार सम्मेलन की संबोधित करते हुए फोरम के प्रधान रिंकू शर्मा और मुख्यमंत्री हुंदे अगे अपील की जो अध्यापकें की समस्याएं बखी ध्यान देन। ऑर्डर पे लिखा है 5 सालों के बाद कि आप जनरल टीचर हो तो हमारे ऑर्डर हमारे कोई भी हमारा डेजिग्नेशन होता है जब हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई होता है ऑप्शन लेटर। उधमपुर च अज्ज थमां 2 दिनें लई चलने आली अंतर जिला मचोगी डू प्रतियोगिता शुरू हुई। एदा आयोजन मचोगी डू डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ऑफ उधमपुर आसिया कीता गेदा है। एसएसपी रईस अहमद और कार्यक्रम के मुख परौहने हैं। इस मौके पत्रकारें कन्ने गलबात करते हुए एसएसपी होरें गलाया जे नई प्रतियोगिताएं दे आयोजन कन्ने बच्चें दी खेडें बखी दिलचस्पी बद्दी है ते कन्ने गै अपनी प्रतिभा दा प्रदर्शन करने दा मौका भी थोंदा है। खबरें दे इस बुलेटिन च बस इन्ना गै, इजाजत दियो, नमस्कार।